नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, निरंतर बात करते चले जा रहे हैं सूर्य के गोचर के बारे में, जो कि 14 जनवरी सन 2018 को धनु राशि छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तरायण के हो जाएंगे और 13 फरवरी 2018 तक वो मकर राशि में ही रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सूर्य का जो गोचर है उनके द्वितीय भाव को छोड़ करके तृतीय भाव में आ रहा है। अब तक क्या था, सूर्य उनके द्वितीय भाव में बैठ करके उनकी वाणी में गर्माहट दे रहा था, उनके जोड़े हुए धन को जलाने की कुछ संभावनाएं बन रही थी, यानी कुछ जोड़े हुए धन में कमी आने की संभावना हो रही थी। उसका कारण यह होता है कि वैसे जो है सूर्य एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, परंतु जिस भी भाव में बैठता है, क्योंकि वो एक गर्म प्लैनेट है, उस घर को जलाता भी है, यानी उस घर के सुखों में थोड़ी कमी वो लाता है। तो अब क्या है, उनके तृतीय भाव में आएगा। तृतीय भाव यानी उनके करेज, हौसला, हौसले का उनका घर, उनके पड़ोसियों का घर, उनके छोटे भाई का घर। तो ये पीरियड में ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं उनके छोटे भाई को कुछ गुस्सा इत्यादि आ सकता है कहीं ना कहीं, तो कोशिश करें अपने छोटे भाई के साथ बिल्कुल भी ना उलझें। इसके अलावा सूर्य तृतीय भाव में होने के कारण हौसला जो है कहीं ना कहीं जलेगा, यानी हिम्मत आप करने की कोशिश करेंगे भी तो थोड़ा सा घबरा जाएंगे, परंतु एक एनर्जी भी बार बार लगाएंगे। तो यहां पर क्या, थोड़ा सा मिश्रित फल सूर्य का हो जाता है। आप अपनी तरफ से सूर्य, क्योंकि एनर्जी का भी कारक होता है, एनर्जी आएगी आप में, आप हौसला करने की कोशिश करेंगे, परंतु अंदर से फिर भी क्योंकि सूर्य जलाता भी है तो थोड़ा सा आप डर भी जाएंगे। तो थोड़ा सा अपनी उन भावनाओं पर अगर आप काबू रखेंगे तो काफी हद तक आपके लिए ये गोचर बेटर ही है। परंतु जैसा मैंने बोला दोस्तों, सबसे पहले आपकी महादशा अंतरदशा, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस ऑफ बर्थ से बनती है, अगर वो पहले से अच्छी चल रही है तो इस छोटे से गोचर का कोई बहुत ह्यूज आपके ऊपर असर नहीं आएगा। परंतु यही अगर वो पहले से खराब चल रही है, थोड़ी सी डिप्रेसिव है, यानी आपकी महादशा अंतरदशा खराब नक्षत्र राशि में चल रही है, तो थोड़ी सी आपको ट्रबल आ सकती है। परंतु वैसे कोई ह्यूज ऐसी संभावना नहीं है कि बहुत बुरा कुछ होने वाला है। पर फिर भी अगर वृश्चिक राशि के जातकों को ऐसा लगता है कि कुछ समस्याएं इस गोचर की वजह से उनको लग रही हैं, तो ऐसे में वो गायत्री मंत्र का जितना जाप करेंगे वो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा हो सके तो वो सूर्य को रेगुलर जल देंगे तो वो भी उनके लिए बहुत बेटरमेंट देगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ अगर वो अच्छे संबंध रखेंगे तो और भी सूर्य उनका अच्छा होता चला जाएगा। इसके अलावा अगर छोटे भाई और पड़ोसी, इनसे अगर आप संबंध किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी हाउस होता है। तो किसी भी प्रकार की ऐसी गर्म कम्युनिकेशन ना करें जिससे वाद विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उनका ये सूर्य का गोचर अच्छा ही जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं वृश्चिक राशि के जातकों के साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।